हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज एक और बहुत ही टेस्टी एक कप गेहूं के आटे से बनने वाला बहुत ही लाजवाब सा ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेके आए हूँ। आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में दीजिए या फिर सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में बनाइए। बहुत ही यमी लगती है और हेल्दी तो है ही, सुपर हेल्दी और डिलीशियस ब्रेकफास्ट की रेसिपी। और बनाना बहुत सिंपल है, 5 मिनट में बनके ये रेडी हो जाती है। बच्चों की फेवरेट होने वाली है क्योंकि हमने इसे चीज़ स्टफ करके बनाया है। 1 कप गेहूं के आटे और गोभी से ये नाश्ता बनके हो गया है तैयार। चलिए देख लेते हैं, इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट ये है गोभी। तो आज इस नाश्ते को बनाएंगे हम गोभी से, कॉलीफ्लावर से। तो गोभी को मैं बहुत अच्छे से वॉश करके ले आई हूँ और अब इसे इस तरह से फूल काट लेंगे हम नाइफ से और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में और कट करेंगे। और जो भी ऊपर इस तरह से ना थोड़े वो दाग होते हैं ना, उनको नाइफ से कट करके अलग निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमें इसे छोटे टुकड़ों में इसलिए कट करना है क्योंकि मैं इसे चॉपर में डाल के चॉप करने वाली हूँ। तो हमें एकदम फाइन चॉप करना है। इस नाश्ते के लिए हमें गोभी को एकदम फाइन रखना है। तो यहाँ पे मैंने 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और 1 हरी मिर्ची ली है। ये मैंने अपना चॉपिंग जार ले लिया है और उसमें ये सारे गोभी के टुकड़े हम ट्रांसफ़र कर देंगे। साथ ही जो अदरक लिया है 1/2 इंच, वो भी मैंने ऐड कर लिया है और हरी मिर्ची भी, ताकि गोभी जो थोड़ी बहुत गैस करती है वो ना करे। और ये देखिए कितना अच्छे से फाइन चॉप हो गई है हमारी गोभी। तो इसको मैं सारी एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी। अभी मैंने आधी ही चॉप की है तो आधी बाकी की जो बची है उसको हमने सेकंड बैच में चॉप करके ले लिया है। तो ये देखिए एकदम फाइन चॉप हो गई है। तो इस बर्तन में ना मुझे छोटा लग रहा था तो मैंने अपनी बड़ी परात में इसको ट्रांसफ़र कर लिया है। अब यहाँ हम इसमें 2 छोटी चम्मच नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे ताकि गोभी के अंदर से ना जितना भी पानी निकलना हो वो निकल जाए नमक से, और ताकि हमें बाइंडिंग के लिए कम से कम आटा यूज़ करना पड़े। अब मैंने इसमें 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला और 1/2 छोटी चम्मच इसमें मैंने अजवाइन हाथों के बीच में क्रश करके ली है, और 1/2 छोटी चम्मच मैंने इसमें चाट मसाला डाला है, और थोड़े से मैं इसमें डालूंगी तिल। तो अच्छे से सारे मसालों को गोभी के साथ मिक्स कर लेंगे। बस यही बेसिक से मसाले इसमें लगने हैं, ज़्यादा कुछ नहीं लगना है। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कटोरी गेहूं का आटा और 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें सूजी ऐड किया है। तो सूजी की जगह आप राइस फ्लावर भी डाल सकते हो, उससे अच्छा क्रंची सा टेस्ट आएगा। तो अब इसको हम हाथों से इस तरह से ना गूंथते हुए जिस तरह से डो लगाते हैं उस तरह से कर लेंगे, और पानी हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालेंगे क्योंकि गोभी के अंदर अपना भी मॉइस्चर है तो ज़्यादा पानी एक साथ नहीं डालना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हम इसका डो लगा लेंगे सॉफ्ट सा। तो ये देखिए सारा ही मैंने गोभी और आटे को इकट्ठा करते हुए अच्छे से नीट कर लिया है। इसको अब थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करके ढक के 2 से 4 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे ताकि सूजी को थोड़ा वो जो फूल ना हो वो फूल जाए। तो ये मैंने अच्छे से ऑयल से ग्रीस करके रख दिया है उसी बर्तन में ट्रांसफ़र करके। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ क्यूब लिया है, उसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लूँगी। छोटे छोटे स्क्वायर हमें चाहिए, बेसिकली हमें इनको अपने नाश्ते के अंदर स्टफ़ करना है। तो मैंने यहाँ चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके ले लिया है। अब ये नाश्ते में ना मैं धनिया डालना भूल गई थी, तो आप पहले ही डाल लेना, मैंने अभी बाद में ऐड किया है। अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी अब मैं, और ये हमारा डो भी रेस्ट होके रेडी हो गया है। तो अब चलिए हम अपना नाश्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे कौन सी स्टेट से या कौन सी जगह से देख रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो यहाँ देखिए जिस तरह से रोटी के लिए छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ते हैं ना, उसी तरह से नींबू के साइज़ की छोटी छोटी लोई तोड़ी मैंने और उसको गोलाई में फैला के उसके अंदर अपना चीज़ का एक क्यूब रखा और उसको चारों तरफ से अच्छे से सील करके राउंड शेप दे दी है। थोड़ा सा हल्का टिक्की की शेप में उसको बेल लेंगे। देखिए एक और दिखा देती हूँ, हाथों से इस तरह से फैलाएंगे
और एक चीज़ क्यूब अंदर रखेंगे और चारों तरफ से अच्छे से सील कर लेंगे और इसको हल्का सा प्रेस करके टिक्की की शेप दे देंगे। तो ज़्यादा बड़े बड़े मत कीजिएगा, वरना जब हम इनको सेकने जाएंगे ना तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो थोड़ी पतली सी लेयर ही हमें रखनी है। यहाँ पे गैस पे मैंने ऑयल गरम होने के लिए पहले ही रख दिया था। ऑयल हमारा अच्छा गरम हो चुका है। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम कर देंगे और अब मीडियम फ्लेम पे हम वन बाय वन अपने सारे ही नाश्ते को ऑयल में डाल देंगे और इसको अच्छे से सिकने देंगे। जब ये एक तरफ से हल्का सा गुलाबी सिक जाएगा, उसके बाद एक फोक की हेल्प से हम इसको पलट लेंगे। तो इसी तरह उलटते पुलटते हुए हम अपने सारे नाश्ते को अच्छा क्रिस्पी गोल्डन कलर आने तक सेक लेंगे। और ये सारा काम ना हमें मीडियम फ्लेम पे करना है। ज़्यादा हाई फ्लेम पे अगर आप करोगे ना तो ऊपर से तो ये क्रंची हो जाएगा बट अंदर से ना कच्चा आटे का टेस्ट आएगा। तो ध्यान रहे कि लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें अपने नाश्ते को अच्छा गोल्डन कलर आने तक सेकना है। तो देखिए मेरा एक बैच सिक गया है, मैं आपको सेकंड बैच भी इसी तरह से डाल के दिखाती हूँ। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पे सारे ही नाश्ते को सेक लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मुझे फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक एंड फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी प्रेस करना, ताकि आने वाली नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए, नाश्ता हमारा रेडी हो गया है। देखा आपने, 5 मिनट में बनके ये तैयार हो जाता है। और मैं तोड़ के आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, आवाज़ सुना देती हूँ, कितना क्रंची बना है ऊपर से और अंदर से सुपर सॉफ्ट चीज़ी बाइट। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आप सबको ये नाश्ता? ये देखिए, तोड़ के दिखाऊं मैं आपको, अंदर से एकदम चीज़ी चीज़ी, बच्चों का तो फेवरेट होने वाला है। मैंने अपने बच्चों को ये लंच बॉक्स में दिया है और सुबह नाश्ते में भी सबको खिलाया, सबको बहुत ही पसंद आया ये चीज़ी गोभी के बाइट्स। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना, एकदम नया है, आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी ये रेसिपी, तो ट्राई करना तो बनता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आप सबको मेरी ये वीडियो? आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी ऑलवेज़।